मित्रों, राजस्थान का अपन लोकगीत के बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट वन अपन ने पढ़ा, अब बात कर रहे हैं पार्ट टू की। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में आपको बताया, जो महत्वपूर्ण बात बताई थी उन्हीं आप क्वेश्चंस को ज़्यादा पढ़ेंगे, साहब उन्हीं क्वेश्चंस को ज़्यादा पढ़ेंगे। आप बात करेंगे उनमें बताऊंगा कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए, 100 सवा 100 के आसपास ये आपके राजस्थान में लोकगीत हैं, और अपन 50 से 60 के आसपास कर लेंगे तो अपना काम चल जाता है। पिछले वाले वीडियो में मैं 35 आपको गीत बता चुका था। अब देखिए आगे आगे है, 36 नंबर से अपन शुरू कर देते हैं। आपका है केसरिया बालम। पहली बात तो रजवाड़ी, रजवाड़ी गीत है और राजस्थान का लोकगीत है मित्रों, ये बात ध्यान में रखना। क्वेश्चन पूछ लिया जाए ये राजस्थान का लोकगीत है और क्वेश्चन दे दे केसरिया है, सीठना है, पावणा है, फल चढ़ा है, तो आपका आपको आंसर होगा केसरिया बालम। अल्लाह जिलाई बाई के द्वारा गाया गया है। अपन जब राजस्थान की जो जातियाँ करेंगे, जो संगीत प्रधान जातियाँ हैं, और राजस्थान का जब संगीत करेंगे ना, उस समय उस इसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे साहब। दूसरा अपन यहाँ पर बात करें तो देखेंगे आपका है, यह है सीठना। सीठना देखिए साहब, अच्छा क्वेश्चन है। एक तो है गाली युक्त गीत है, गाली युक्त गीत है और विवाह में गाया जाता है, विवाह में गाया जाता है, विवाह में गाया जाता है साहब। ये देखिए केसरिया बालम है, ये एक बार आओ नी पधारो मारा देश, ये केसरिया बालम के गीत के बोल हैं। और सीठना है, ये सब गाली युक्त गीत है और विवाह के अंदर तोरण द्वार पर और फेरों के अंदर जो महिलाएं हैं वो गाती हैं, और जो बारात है उसको चिढ़ाती हुई उसके मजाक के लहजे में गाते हैं साहब, कि काली सुपारी भी काला पान, लंगड़ा लंगड़ा आया जान, पेटू पेटू आया जान, इस प्रकार से गीत है, मजाक के गीत है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ गाली युक्त गीत है। इसके बाद में अपन बात करें तो नेक्स्ट अपन देखेंगे आपका है पावड़े। पावड़े अच्छा गीत है साहब, पावड़े, पावड़े गीत है, ये है वीर पुरुषों की यशोगाथा, वीर पुरुषों की यशोगाथा है, यशो गाथा पावड़े गीत, वीर पुरुषों की यशोगाथा है मित्रों। इसके बाद में अपन बात करें देखिए सुपना, सुपना है, सुपना, सुपना गीत है, स्वपन के माध्यम से गाया जाने वाला वियोग गीत है सब, स्वपन के माध्यम से। इसके बाद में देखेंगे आप क्या महत्वपूर्ण बात बने, और फल सड़ा, फल सड़ा, ये सब विवाह में गाया जाता है, और अतिथियों के आगमन पर, अतिथियों के आगमन पर, अतिथियों के आगमन पर गाया जाने वाला गीत है फलसड़ा। इसके बाद देखिए, इसके बाद और क्या देखेंगे अपन, पटेला, पटेला अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है पटेला। पटेला ऐसा पर्वतीय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा यह गीत गाया जाता है। इसके बाद अपन बात करें लालर, यह भी एग्जाम में पूछा हुआ है लालर, ये भी आपका पर्वतीय क्षेत्र में गाया जाता है, पर्वतीय क्षेत्र में और आदिवासियों के द्वारा गाया जाता है साहब, आदिवासियों के द्वारा। और साहब ये लालर है, इसके गीत के बोल हैं लालर लादे रे नरदोईरा बीरा अरियेगा बाकी। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए आपका लालर के बाद में इंडोनी है, इंडोनी, इंडोनी, इंडोनी गीत है, यह है इंडी, इंडी सिर पे ऊपर रखी जाती है, उसको संबोधित करते हुए गाया जाता है कि साहब महिला हैं, यह है पानी भरने जा रही है कुएं के ऊपर, और साहब नायिका की इंडी है, ये एक सखी है इसकी छुपा लेती है, और ये सब गीत गाती है, मारी 1.25 लाख री टूम गम गई इंडोणी, यानी सब इसकी ये इंडी नहीं है, 1.25 लाख की टूम है, इस प्रकार। इसके बाद में अपन बात करें यहाँ पर है आम्बो, आम्बो, आम्बो नृत्य है, यह है पुत्री के विदाई पर, पुत्री के विदाई पर,
पुत्री के विदाई पर गाया जाने वाला गीत है। अपने यहाँ तो लावणी गाई जाती है साहब पुत्री के विदाई पर। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि क्षेत्र विशेष पर अलग अलग नाम हो जाते हैं इसके। इसके बाद में अपन बात करें तो आपका है झुलरिया, झुलरिया। देखिए मित्रों झुलरिया है भात भरते समय महिलाएं हैं ये गीत है गाती हैं। इसके बाद में अपन बात करें लूर, इसके बाद में आपका है लूर, लूर लूर तो अपन नृत्य भी कर रहे थे साहब, लूर नृत्य भी था अपन ने पिछले वीडियो में देखा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लूर है ये ओली के ऊपर है साहब, और राजपूती महिलाएं हैं, राजपूती महिलाएं, राजपूती महिलाएं। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए रसाला है, रसाला नृत्य सॉरी गीत है मित्रों आपका कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी का जो नृत्य है घोड़ी कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय ये गीत गाया जाता है रसाला। इसके बाद में अपन बात करें एक आपका है मरसिया गीत, मरसिया गीत, मरसिया गीत है इसको देखें, मरसिया गीत है ये मारवाड़ में गाया जाता है, मारवाड़ में, और किसी की मृत्यु होने पर शब्द से पता चल रहा है मरसिया, मृत्यु होने पर यानी शोक गीत हो गया, शोक गीत हो गया। इसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपका है लश्करिया, लश्करिया, लश्करिया गीत है ये भी साहब आपका कच्ची घोड़ी, कच्ची घोड़ी नृत्य करते समय गाया जाने वाला गीत है लश्करिया। इसके बाद में अपन देखें तो और क्या महत्वपूर्ण बात बने लश्करिया के बाद में, इसके बाद में बीरा गीत, बीरा गीत, बीरा गीत है ये देखिए साहब बीरा गीत है ये ढूंढाड़ क्षेत्र में गाया जाता है आपका, ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर बीरा गीत गाया जाता है ढूंढाड़ में। इसके बाद में अपन बात करें तो और क्या महत्वपूर्ण बात बने आपका, चलो एक बार इनको देखते हैं उसके बाद बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए अपन बात कर रहे हैं केसरिया बालम, सब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है केसरिया बालम, पूछा जाता है रजवाड़ी गीत है और राजस्थान का लोक नृत्य है, ध्यान में रखना है मित्रों। इसके बाद में सीठना है, नोट डाउन करते रहो साथ साथ में, सीठना है गालीयुक्त गीत है विवाह में गाया जाता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद में इम्पोर्टेंट है ये देखिए पावड़े गीत है, पावड़े जो गीत है यह है आपका वीर पुरुषों की यशोगाथा है पावड़े, इनको पवाड़े भी कहा जाता है, वीर पुरुषों की यशोगाथा सुपना है कोई विशेष बात नहीं, फलसड़ा ध्यान में रखना फलसड़ा ये विवाह के अंदर जब अतिथि आते हैं अपने घर में इस समय गाया जाता है, पटेला है सब एग्जाम में पूछा हुआ है पटेला पर्वतीय क्षेत्रों में, ध्यान में रखना पटेला गीत एग्जाम में आया हुआ है पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा, लालर है मित्रों ये पूछा हुआ है एग्जाम में, पूछा हुआ है एग्जाम में पर्वतीय क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा, इंडोनी है कोई विशेष बात नहीं, अम्बो है पुत्री के विदाई पर, झुलरिया है ये भात भरते समय, इसके बाद में लूर है यह है होली पर, राजपूत राजपूती महिलाएं गाती हैं इसको, इसके बाद में रसाला है, अच्छा क्वेश्चन बन रहा है रसाला, रसाला गीत है कच्ची घोड़ी के नृत्य के समय, लश्करिया भी कच्ची घोड़ी के नृत्य के समय। इसके बाद में मरसिया, मरसिया गीत है अच्छा गीत है साहब, शोक गीत है ये, और मारवाड़ में किसी की मृत्यु होने पर जो गीत गाया जाता है वो मरसिया गीत है। इसके बाद में है आपका बीरा गीत, बीरा गीत है यह ढूंढाड़ में गाया जाता है साहब, बीरा गीत ढूंढाड़ में गाया जाता है। इसके बाद देखें मित्रों अपन बात करें 50 तक अपने हो गए, नेक्स्ट देखेंगे देखिए भाई साथ साथ में आप लिखते भी जाओ, इनको लिखते जाओ याद रहेंगे साहब आपको, जिनके पास समय नहीं रहता है काम में व्यस्त रहते हैं जी प्राइवेट काम में या गवर्नमेंट जॉब में हैं और आगे की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छा साधन है, बहुत ही अच्छा साधन है मित्रों, बहुत अच्छा साधन है। कोचिंग संस्थानों में जा नहीं पाते हो लेट समेर आप इन चीज़ों को याद कर सकते हो वीडियो के माध्यम से देख के, और बता रहा हूँ एकमात्र ऐसी कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेज है जिसके अंदर आपको क्रमगत चीज़ें हैं ये मैं डालूँगा आपको। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर आपका 91 नंबर पे है भणेत,
भणेत 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 जो आपका गीत है इसमें क्या महत्वपूर्ण बात है सब? परिश्रम, परिश्रम करने के बाद थकान को दूर करने के लिए ये गीत गाया जाता है, थकान को दूर करने के लिए गीत गाया जाता है। इसके बाद में सारंग, ये क्वेश्चन मित्रों पूछा हुआ है, ये जो संगीत है आपका, ये संगीत है ये दोपहर को होता है, दोपहर को गाया जाता है ये। इसके बाद में आप देखेंगे सारंग के बाद में आप बात करें आपकी है कलाकी, कलाकी वो कलाकी है एक वीर वीर, एक आपका वीर रस गीत है, वीर रस गीत है कलाकी गीत। इसके बाद में आप देखें क्या और बात करें आप, अपन कलाली, कलाली आपकी कलाली गीत है। अपने यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण जो कड़ाड़, कड़ाव एक जाति होती है साहब, और जो शराब बनाने का और बेचने का काम करती है। तो देखिए यहाँ पर है कलाली गीत है, यह कलाड़ जाति के द्वारा गाया जाता है, शराब निकाल करके बेचने का काम, शराब निकाल कर बेचने का काम, इसमें जाति संलिग्ध रहती है और इसी से संबंधित यह गीत गाया जाता है। इसके बाद में अपन बात करें तो आपका है काछबा, देखिए मित्रों काछबा, काछबा जो नृत्य है प्रेम कथा है एक, और पश्चिमी राजस्थान में प्रेम कथा है, प्रेम कथा है और आपकी पश्चिमी राजस्थान में यह गाई जाती है। नेक्स्ट देखिए अपन बात करें आपका है छप्पन नंबर पे देखेंगे क्या महत्वपूर्ण बात पड़ती है, जकदिया, जकदिया गीत है। ये देखिए पीर, पीर और ओलिया, पीर और ओलिया के सम्मान में यानी मुस्लिम, मुस्लिम समाज के द्वारा यह गीत गाया जाता है। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए रामदेव जी के सम्मान में गाया जाता है यह गीत, राजस्थान में सबसे लंबा, राजस्थान में लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है। इसके बाद में देखिए मित्रों आप, आपका है आल्हा, आल्हा गीत, आल्हा गीत है यह सहरिया, सहरिया जनजाति है यह गाती है। इसके बाद में आप देखें मित्रों आप हिंडा, हिंडा गीत है, एक हिंडोला है एक हिंडा गीत है। यह देखिए दीपावली पर, दीपावली पर सहरिया, दीपावली पर सहरिया जाती, चक्कर में गिर जाएं साहब, यहाँ पर अगला दे दे श्रावण दे दे और दीपावली का समय है कार्तिक दे दे तो अपन चक्कर में गिर जाएं, ये और चक्कर में गिराने वाला है साहब ये आपका गीत है, हिंडा गीत है, हिंडा इसके हिसाब से तो श्रावण में आना चाहिए शब्द के हिसाब से तो, लेकिन दीपावली पर है सहरिया जाति के द्वारा है। इसके बाद में लहंगी है, लहंगी देखिए मित्रों लहंगी, लहंगी नृत्य भी है एक, अपन बात कर चुके हैं उसकी, आप देखना वर्षा ऋतु के में, वर्षा ऋतु में सहरिया जाति के द्वारा, सहरिया जाति के द्वारा सहरिया का ऐसा ये नृत्य भी है। देखिए मित्रों एक बार दोबारा मैं प्रयास करता हूँ समझाने की आपको, भणेत परिश्रम करते समय और सब थकान हो जाती है, इसके बाद में इस थकान को दूर करने के लिए संगीत सुनना, सब संगीत सुनने से थकान है ये कम होती है। इसके बाद में सारंग गीत है, महत्वपूर्ण है एग्जाम में पूछा हुआ है, ये सारंग राग है ये दोपहर को गाई जाती है। इसके बाद में कला की कोई विशेष बात नहीं, कलाली ध्यान में रखना है, कलाली है ये शराब बेचने और बनाने के काम में संलिग्ध जो जाति होती है उसी से संबंधित गीत है। इसके बाद में देखिए कछाबा, अच्छा क्वेश्चन बनता है और पश्चिमी राजस्थान में है, प्रेम गीत है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जकदिया, एकमात्र मुसलमानों का एक गीत आया है, पीर और ओलियाओं के सम्मान में मुस्लिम समाज है ये गीत गाता है। इसके बाद में रामदेव जी है जी,
रामदेव जी देखें, राजस्थान में सबसे लंबा जो गीत है यह लोक देवताओं में रामदेव जी का है। आलहा है सहरिया जनजाति द्वारा, इंडा है इम्पोर्टेंट बनेगा कभी न कभी, और इसी प्रकार बनेगा जैसे अपन बात कर रहे हैं श्रावण में और आपको कार्तिक में फंसाएगा एग्जामिनर। तो देखिए इंडा गीत है दीपावली पर सहरिया जाति के द्वारा, और आपका लहंगी है वर्षा ऋतु में सहरिया जाति के द्वारा। तो मित्रों ये जो आपका टॉपिक था राजस्थान के लोकगीत ये चल रहे थे, और राजस्थान के लोकगीतों में मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, इनको ध्यान में रखना है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अलग टॉपिक लेकर के बात करेंगे। जब तक जय हिंद जय भारत।